Very warm greetings to all the Nalandians. Children, in today's video, we shall be discussing a topic of English grammar, that is, was and were. Children, before starting with was and were, let's see few points of SMR, जो कि हम पहले कर चुके हैं children, तो हम एक बार SMR के कुछ points revise कर लेते हैं. Children, as you know, कि we use am and is with singular noun or pronoun, यानि कि हम am और is को हमेशा singular noun या फिर pronoun के साथ use करते हैं, यानी कि जब भी एक वचन के बारे में बात हो रही होगी वहाँ पर हम am या फिर is का use करेंगे. और जहाँ पर plural यानि कि एक वचन से ज़्यादा यानि कि बहुवचन के बारे में बात हो रही होगी तो बच्चों वहाँ पर हम are का use करते हैं. लेकिन ये तीनों present tense में use होते हैं children, यानि कि उस समय जब काम चल रहा हो. ऑल राइट, अब लेट्स सी व्हेन वी यूज वाज एंड वर. द वाज एंड वर इज यूज्ड फॉर पास्ट टेंस. पास्ट टेंस चिल्ड्रन यानी कि वो समय जो बीत गया है, जा चुका है जो समय, दैट टाइम इज कॉल्ड पास्ट टेंस. तो वाज वर हमेशा ही पास्ट टेंस में यूज होता है. नाउ चिल्ड्रन, एम और इज की जगह पास्ट टेंस में हम यूज करते हैं वाज को, यानि कि जो प्रेजेंट में एम और इज यूज होता है. सिमिलरली सिंगुलर के लिए पास्ट टेंस में वॉज यूज करेंगे हम. एंड आर यानि कि प्रेजेंट टेंस में जो प्लूरल के लिए हम आर यूज करते हैं चिल्ड्रन, वही पास्ट टेंस के लिए हम प्लूरल के लिए वर यूज करेंगे. तो बच्चों हमने सीखा कि वॉज और वर को हम पास्ट टेंस के लिए यूज करते हैं, यानि कि उस समय के लिए जो बीत चुका है, जो समय जा चुका है. सो वॉज को हम एक वचन यानी कि सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के साथ यूज करेंगे. सो वॉज इज यूज विद सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन. फॉर एग्जाम्पल, आई, ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नाउन, जैसे कि आपका नेम चिल्ड्रन, और यू कैन से रीना, और यू कैन से अ डॉग, एटसेट्रा. नाउ वर, वर हम प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के लिए यूज करते हैं चिल्ड्रन, जैसे कि दे वर प्लेइंग, वी प्लूरल नाउन, फॉर एग्जाम्पल द बॉयज, और यू कैन से यू के साथ भी हम हमेशा वर का ही यूज करते हैं चिल्ड्रन. सो नाउ लेट्स सी फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ वॉज एंड वर चिल्ड्रन. नाउ हियर द फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन टू यू दैट फिल इन द ब्लैंक्स विद वॉज और वर, यानी कि आपको इन फिलअप्स को वॉज और वर के साथ फिल करना है. सो फर्स्ट क्वेश्चन चिल्ड्रन, आई डैश इल येस्टरडे. तो चिल्ड्रन यहाँ पर येस्टरडे लिखा हुआ है, यानी कि वो कल जो बीत गया है, यानी कि बीते हुए समय की बात हो रही है. और आगे आप देख सकते हैं चिल्ड्रन कि आई प्रोनाउन दिया गया है आपको, यानी कि आई के साथ हम हमेशा किसका यूज करते हैं चिल्ड्रन, वॉज का, क्योंकि आई जो है वो सिंगुलर है. सो आई वॉज इल yesterday. So let's write the answer here. Now second question, she dash absent yesterday. फिर से यहां पर yesterday mention है children, यानी कि बीते हुए कल की बात हो रही है. तो ये past tense है, तो हम इसमें obviously was और were fill करेंगे. Now see the pronoun children, यहां पर she लिखा हुआ है, यानी कि एक singular girl के बारे में बात हो रही है. तो singular pronoun है तो उसके साथ हम was का ही use करेंगे. So she was absent yesterday. So answer is was. Let's write it. So again she is given to you and this is a singular pronoun. So let's write here was again. Fourth part, that is it dash a dark night. So children, it is given to you and it is a singular pronoun. So again we will write here was. It was a dark night. Fifth part, we dash eating ice creams. Now we is a plural pronoun. ये plural के लिए use करते हैं हम, यानी कि एक से ज्यादा के लिए बात हो रही है children. तो यहां पर हम were का use करेंगे. We were eating ice creams. Starting with the sixth part children, you dash not dancing. So children here you pronoun दिया गया है and you के साथ हम हमेशा were use करते हैं. So the answer is were. You were not dancing. So let's write it.
Now the seventh part is they. So they is a plural pronoun children and they ke saath hum word use karte hain. Let's read the sentence. They dash in the house when the electricity went off. Yaani ke jab bijli gayi to wo ghar mein hi the. So here plural ki baat ho rahi hai children. They means we sab. So we will use here were. They were in the house when the electricity went off. Starting with the ninth question children. Sunday dash a holiday. Now Sunday is a singular noun children. ये singular noun है तो singular noun के साथ हम was का use करेंगे. Sunday was a holiday. Tenth part. The train dash late. Now train is singular children यानी कि एक train के बारे में बात हो रही है. So the train was late. So singular noun है children. So we will write here was. 11th, it dash very hot yesterday. It hai children, yaane ke this is a singular pronoun, so we use was with it. So the answer is, it was very hot yesterday. Yaane ke jo kal din tha, wo bahut hot tha, garam din tha. So it was. 12th part, many girls dash dancing. Now here many girls यानी कि एक से ज्यादा girl की बात हो रही है children, यानी कि ये plural noun है. So we will write were with it क्योंकि ये plural है. So let's write here many girls were dancing. 13th, all the students dash present in the assembly. Now children here we are talking about students, यानी कि यहाँ पर plural noun है. So we will use here were. 14th, रवि एंड राहुल. तो चिल्ड्रन यहां पर दो नेम्स हैं, राहुल एंड रवि. इट मीन्स दीज आर प्लूरल नाउन्स. सो वी विल यूज वर विद प्लूरल नाउन्स. रवि एंड राहुल वर स्टडिंग. सो लेट्स राइट हियर वर. सो चिल्ड्रन विद दिस वी कंप्लीट आवर टॉपिक ऑफ वॉज एंड वर. आई होप इट वॉज क्लियर टू यू. थैंक यू चिल्ड्रन. हैव अ ग्रेट डे.